जहाँ पे अपने मास महाराजा डैडी ऑफ ऑल रीमेक्स अजय देवगन की फिल्म औरों में खादम था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे अपना एक हफ्ता 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दी है, जाके देख लो। अब बात करेंगे फिल्म की दोस्तों डे 8 की, यानी कि 9 अगस्त की शुक्रवार की बुकिंग के बारे में दोस्तों। लास्ट में जानेंगे फिल्म की टोटल 9 दिन का कारोबार क्या हो सकता है, तो आप लाइक कर दो फटाफट से। जा फिल्म ने अपने डे 8 के लिए बुकिंग करी हुई दोस्तों विद ब्लॉक सीट दिल्ली में 2.8 लाख की, एमपी में 1.7 लाख की, महाराष्ट्र में 80,000, गुजरात में 40,000, छत्तीसगढ़ में 26,000, तमिलनाडु में 18,000, यूपी में 18,000, उड़ीसा में 15,000, वेस्ट बंगाल में 5,000, झारखंड में 2,000 के आसपास दोस्तों सबसे अधिक शो लगाए हैं। 227 महाराष्ट्र में एंड फिर लगे 176 दिल्ली में, फिर लगे गुजरात में दोस्त, नॉर्थ में करे ज़्यादा है। बात करें फिल्म की विदाउट ब्लॉक सीट कमाई दोस्तों, वो जाती दिल्ली की केवल 1 लाख, एंड महाराष्ट्र की हो जाती दोस्तों 30,000 के आसपास, एंड एमपी की 39,000 के आसपास। तो ब्लॉक सीट एंड विदाउट ब्लॉक सीट काफ़ी अंदर है दोस्तों। अब बात करते फिल्म की नेशनल चेन डाटा की कमाई के बारे में दोस्तों। फिल्म ने आइनॉक्स, PVR, सिनेपोलिस तीनों को मिला के टिकटें बेची हैं विदाउट ब्लॉक सीट 525 केवल एंड कमाई करी है विदाउट ब्लॉक सीट 1,73,000 की। शो लगाए 618 एंड फिल्म ने विद ब्लॉक सीट टिकटें बेची हैं 1200 के आसपास एंड कमाई करी है 3.9 लाख की दोस्तों। यानी कि फिल्म ने अपने डे 9 के लिए बुकिंग कर ली है, क्योंकि फिल्म हिंदी में आ रही है तो इसने हिंदी में दोस्तों बुकिंग करी है 3,91,000 की विद ब्लॉक सीट, बट मैटर नहीं करता ब्लॉक सीट, मैटर करता विदाउट ब्लॉक सीट। तो फिर हमने बुकिंग करी दोस्तों विदाउट ब्लॉक सीट ऑर्गेनिक 2 लाख के आसपास की डे 9 की। यानी कि जो फिल्म का डे 1 था वर्ल्ड वाइड 4.1 करोड़, डे 2 था 3.2 करोड़, डे 3 था 3.7 करोड़, डे 4 था 1.4 करोड़, डे 5 था 1.2 करोड़, डे 6 था 1.1 करोड़, डे 7 फिल्म ने 4 लाख के बुकिंग करके कमाए थे इंडिया नेट 69 लाख, इंडिया ग्रोस 80 लाख, ओवरसीज से 8 लाख, वर्ल्ड वाइड ग्रोस 88 लाख के आसपास दोस्तों। फिल्म ने अपने डे 8 के लिए यानी कि 9 अगस्त के शुक्रवार के लिए बुकिंग करी है 3 लाख के आसपास की, इंडिया नेट कमा लेगी 65 लाख तक, इंडिया ग्रोस 75 लाख तक कमा लेगी, ओवरसीज से 7 लाख तक, एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस दोस्तों 83 लाख के आसपास दोस्तों। अब ऑडियंस की डिमांड पे, फैंस की डिमांड पे फिल्म की दोस्तों डे 1 से लेके डे 8 की टोटल कमाई ऑर्गेनिक ऑथेंटिक निकल के आती है बॉक्स ऑफिस पे बुकिंग के मामले में 1.9 करोड़, इंडिया नेट एग्जैक्ट 12 करोड़, इंडिया ग्रोस एग्जैक्ट 14 करोड़ दोस्तों, एंड ओवरसीज से एग्जैक्ट 2.4 करोड़ दोस्तों, एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस एग्जैक्ट 16.4 करोड़ तक दोस्तों। यानी कि फिल्म अब फ्लॉप की कगार पे आ चुकी है, तो क्या ये अपने लाइफ टाइम में अपना बजट जो कि 90-100 करोड़ के आसपास है पूरा कर पाएगी, हाँ या ना? आप हमें कमेंट में अपने प्रतिक्रिया पॉइंट ऑफ व्यू बजट जरूर बता दीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।